हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज के टैली की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैली ईआरपी 9 में क्या एमआरपी नाम का कोई ऑप्शन भी होता है, अगर होता है तो उसे कैसे चालू करें, कैसे देखेंगे, कैसे उसे एक्टिवेट करेंगे, इन्हीं सब की बात आज के वीडियो में होने वाली है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम अकाउंटिंग वाउचर में जाने के लिए वी प्रेस करते हैं या यहाँ पर आप क्लिक भी कर सकते हैं। तो ये आ गए हम परचेज वाउचर में, आ गए हमें यहाँ पर स्टॉक आइटम बनाना है। आप चाहे तो यहाँ पर भी आके स्टॉक आइटम बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाल दिया, वो डेट आ गई जिस डेट पे हम परचेस कर रहे हैं। यहाँ पे दो प्रकार के हमारे पास क्रेडिटर पार्टीज हैं, एक ओनर राम है और एक अमित है। आप जो भी क्रेडिटर पार्टी लेना चाहें ले सकते हैं, जो भी क्रेडिटर पार्टी देंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। तो मान लीजिए हमने अमित ले लिया, इसका एड्रेस डाल सकते हैं। फिलहाल मैं छोड़ रहा हूँ, इंटरफेस करता हूँ। यहाँ पर परचेज अकाउंट का लेजर आ जाएगा, अगर आपको परचेज अकाउंट का लेजर बनाना नहीं आता ठीक है तो यहाँ पर आप अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए और परचेज अकाउंट वहां लिख दीजिए और उसे डाल दीजिए अंडर परचेज के ग्रुप में, ठीक है। परचेज अकाउंट का लेजर बन जाएगा। यहाँ पर स्टॉक आइटम क्रिएट करना है। कभी कभी क्या होता है कि हम काम कर रहे होते हैं टीडीएस पर, जैसा कि मैं पिछले वीडियो टीडीएस की मैंने डाली है, तो टीडीएस पर जब आप काम कर रहे होते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरह का मोड आपके सामने होता है, ठीक है। यहाँ पर पर्टिकुलर लिखा हुआ रहा है, आइटम का तो कहीं नाम ही नहीं है। तो अभी इस कंडीशन में क्या करें, तो अल्ट के साथ सिर्फ आप आई प्रेस कर दें, अल्ट के साथ आई प्रेस करेंगे तो यहाँ नेम ऑफ आइटम शो होने लगेगा। अब यहाँ पर हम बनाएंगे स्टॉक आइटम, ठीक है। अल्ट के साथ सी प्रेस करके भी आप स्टॉक आइटम बना सकते हैं, ठीक है। आप और भी कहाँ जाके स्टॉक आइटम बना सकते हैं, यहाँ से पूरा बाहर आ जाता हूँ मैं। यहाँ पर देख सकते हैं इन्वेंट्री इन्फो ऑप्शन चालू है, इसमें इन्वेंट्री इन्फो लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पर आप जा करके और स्टॉक आइटम बना सकते हैं, इवन स्टॉक ग्रुप भी बना सकते हैं। मैं स्टॉक आइटम बना रहा हूँ। जैसे मान लीजिए स्टॉक आइटम में मैंने यहाँ पे एसएसडी स्टॉक आइटम परचेस किया, ठीक है। यहाँ पर आ गए, यहाँ पर पीसेज मैंने बना रखा है यूनिट। अगर आप यूनिट बनाना चाहते हैं तो अल्ट के साथ सी प्रेस करके यूनिट अलग से बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे यूनिट्स एप्लीकेबल है और यहाँ पी प्रेस करूंगा तो पीसेस आ जाएगा। जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा, यहाँ पे जीएसटी की डिटेल को भी हम अल्टर कर देते हैं। यहाँ से वाई प्रेस करता हूँ और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन और एचएसएन कोड आप डाल सकते हैं। फिलहाल मैं इसको छोड़ता हूँ। यहाँ से टैक्सेबल रखेंगे, इस बार हम टैक्स लगा रहे हैं 28% का, ठीक है। एंटर प्रेस किया तो ये 14% के हिसाब से डिवाइड हो जाएगा। गुड्स रखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे देख सकते हैं सेट ऑब्लिक अल्टर एमआरपी डिटेल शो हो रहा है। ये कहाँ से आया, इसको लाना है तो आपको कीबोर्ड से F12 बटन प्रेस करना होगा यहाँ पर आने के बाद, ठीक है। ये आप देख सकते हैं प्रोवाइड अलियास अलोंग विथ नेम, ये यस है, इसको मैं नोट कर देता हूँ, कोई जरूरत नहीं इसकी। एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं अलाउ एमआरपी ऑब्लिक मार्जिनल फॉर स्टॉक आइटम्स लिखा हुआ है। अगर आप इसको यस कर देंगे तो क्या होगा, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। एंटर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। अब यहाँ पर आइएगा तो ये देखिए, यहाँ पर सेट ऑब्लिक अल्टर एमआरपी डिटेल्स शो हो रही है। लेकिन अगर यही आप F12 बटन प्रेस करके इसको नो कर दीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ पे नो कर देता हूँ मैं और कंट्रोल ए प्रेस कर देता हूँ, तो यहाँ पर से ये गायब हो जाएगा, ये नहीं दिखाई पड़ेगा। एक्टिवेट करने के लिए आपको वही F12 बटन प्रेस करना है और यहाँ पर आकर के इसको यस कर देना है। जैसे यस करेंगे और कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो ये शो होने लगेगा। अब बस आपको यहाँ पर आकर के और वाई प्रेस करना है। वाई प्रेस किया और एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर ये विंडो खुल करके आ गई एमआरपी डिटेल्स की। एसएसडी हम परचेज कर रहे हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव, आजकल हार्ड डिस्क की जगह यही लगाई जाती है, काफी स्पीड तेज हो जाती है हमारे सिस्टम की, ठीक है, काम करने की। अब यहाँ पर अलाउ एमआरपी मॉडिफिकेशन इन वाउचर, क्या आप वाउचर में कोई भी मॉडिफिकेशन चाहते हैं, अगर चाहते हो तो यस कर लें, अदरवाइज नो रखें। फिर यहाँ पर दिया हुआ है कंसिडर एमआरपी फॉर कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी रेट इन स्लैब रेट जीएसटी, ठीक है। एमआरपी का रेट डाल दें जो भी आपने परचेज किया है, जैसे ये थोड़ी महंगी आती है हार्ड डिस्क की अपेक्षा, तो यहाँ 5000 का हमने एक परचेस किया तो ये आ गया। अब एंटर प्रेस किया हमने, एंटर प्रेस किया, यहाँ पर क्वांटिटी भी डाल सकते हैं, फिलहाल मैं इसको नहीं डाल रहा। अब यहाँ पर आ जाएंगे सीधा गेटवे ऑफ टैली, आ गए अकाउंटिंग वाउचर पे आएंगे, बी प्रेस करेंगे, बी प्रेस कर दिया। यहाँ पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर हमने डाल दिया, एंटर प्रेस किया, डेट यही रखते हैं। इस बार हम ओनर राम को ले लेते हैं, ले लिया, एंटर प्रेस किया, एड्रेस डाल सकते हैं आप। यहाँ पर परचेस अकाउंट का लेजर आ जाएगा, लगा लिया। अब हमें स्टॉक आइटम हमने बना रखा है, हमें बनाने की जरूरत नहीं, ठीक है। हम अभी एसएसडी स्टॉक आइटम लेने वाले हैं, तो ये ले लिया हमने। अब कितनी क्वांटिटी हम परचेस कर रहे हैं, अब देखिए एमआरपी यहाँ शो हो रहा है, देखिए एमआरपी मार्जिन 5000 रुपए,
प्रति पीस, एक आप खरीदेंगे तो 5000 रुपए कीमत होगी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए हम 5 SSD परचेज कर रहे हो, ठीक है, किस रेट से परचेज कर रहे हैं, ये तो MRP है लेकिन आप किस रेट से परचेज कर रहे हो, ठीक है, वो चीज यहाँ पे डालनी है। तो मान लो कि यहाँ पर हम परचेज कर रहे हैं 3900 रुपए के हिसाब से एक, तो यहाँ पर टोटल आ गया। तो इस तरह से हम MRP ऑप्शन एक्टिवेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि दूसरा स्टॉक आइटम बनाना है, तो यहाँ से डायरेक्टली स्टॉक आइटम बनाने के लिए Alt के साथ C प्रेस कीजिए, ये आ गया स्टॉक आइटम वाली विंडो, ठीक है। अब यहाँ पर हम इस बार हार्ड डिस्क परचेस करेंगे, तो यहाँ लिखता हूँ हार्ड डिस्क एप्लीकेबल रहेगा, सेट अल्टर GST डिटेल, इसको यस कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर इसको टैक्सेबल रखना है, अगर टैक्सेबल नहीं रखेंगे तो कैलकुलेट होकर नहीं आएगा GST, और इस पर भी हम टैक्स कितना लगाएंगे 28%, लेकिन इस बार हम इसको 28% नहीं लगाते, हम इस पर 18% लगाते हैं, ताकि हमको पता चल सके कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस है जबकि हम उसे देखने जाएंगे। यहाँ पर वाई प्रेस करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, और यहाँ से ये यस प्रेस करके MRP रेट डाल देता हूँ इसकी, इसकी MRP रेट है 2300 रुपये, ओके, एंटर प्रेस किया, इसको एक्सेप्ट करा लिया। अब ये देखिए, ये MRP रेट है किसकी, SSD की, और ये MRP रेट है किसकी, हार्ड डिस्क की, ठीक है। अब हार्ड डिस्क हम खरीद रहे हैं 12, या फिर हम एक काम करते हैं 5 ही खरीदते हैं, हार्ड डिस्क हमने खरीदा 5, और एक हार्ड डिस्क हमें पड़ी कितनी, कितने की, ये तो हमने MRP रेट डाला है, हमें और सस्ते में हम परचेस करेंगे तभी तो हम MRP रेट पे बेचेंगे इसे, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1500 रुपये बस, एंटर प्रेस किया, तो ये देख सकते हैं ये आ गया। अब यहाँ पर GST की बात करेंगे, तो यहाँ पर देखते हैं CGST SGST का तो लेजर बना नहीं है, तो यहाँ से CGST कर दिया हमने, एंटर प्रेस किया, ये जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, ड्यूटीज एंड टैक्सेस आ गया, ये GST है तो GST लगा लिया हमने, और सेंट्रल टैक्स है सेंट्रल टैक्स कर दिया, और यहाँ से नॉर्मल राउंडिंग, और यहाँ पर 3 कर देता हूँ, पॉइंट में 3 अंकों तक ये ले लेगा, एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं CGST कैलकुलेट होकर आ गया है। अब SGST देखते हैं, SGST का भी लेजर हमने नहीं बनाया है, तो बना लेते हैं लेजर, तो SGST कर दिया हमने, एंटर प्रेस किया, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा, ये GST है, और यहाँ से स्टेट टैक्स आ जाएगा, एंटर प्रेस किया, नॉर्मल राउंडिंग कर देता हूँ, और यहाँ पे 3 कर देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, और इसको एक्सेप्ट करा देता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि GST की भी डिटेल आ गई है। अच्छा, GST देखना चाहते हैं किसको कितना लगा, कैसे लगा पूरी डिटेल, तो Alt के साथ A प्रेस कीजिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना टैक्सेबल वैल्यू बनी है, यहाँ पर देखिए ये कुल मिलाकर के 27000 रुपये टैक्सेबल वैल्यू है, और यहाँ 19500 रुपये टैक्सेबल वैल्यू है, देख सकते हैं आप ये पूरा का पूरा डिटेल, कुल मिलाकर के 27000 है, 19501 पे 7501 पे, ठीक है। तो अब यहाँ से बाहर आते हैं, कुल मिलाकर 27000 है, पूरे पर टैक्स लग रहा है, जितना हमने MRP दिया उस पर नहीं लग रहा है, ये पूरे पर टैक्स लग रहा है, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, ये MRP पे टैक्स नहीं लग रहा, पूरे पर टैक्स लग रहा है, ठीक है, वैल्यू हमने दी है उस पर टैक्स लग रहा है ये। एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ न्यू रेफरेंस रख करके एंटर प्रेस करेंगे। आप जानते हैं कि जो अधिकतर व्यवसाय है वो उधार के ऊपर बेस्ड होता है। उधार के ऊपर कहने का क्या मतलब है, अगर मान लीजिए आपकी कोई बहुत बड़ी शॉप है तो आपसे कोई उधार माल परचेज करता है, जब बेच लेता है तब आकर के आपको पेमेंट करता है, ऐसा आजकल चल रहा है, ठीक है, आजकल क्या चल रहा है, ये पहले से ही चलता आ रहा है, तो अगर इसका पेमेंट करना होगा तो आपको पेमेंट वाउचर में जाकर के इसका पेमेंट करना होगा, ठीक है। एंटर प्रेस करता हूँ या नरेशन नहीं डाल रहा हूँ मैं, और इसको एक्सेप्ट करा लिया। जब इसको देखना होगा तो आपको जाना होगा डिस्प्ले में, दो बार डी प्रेस कीजिए और यहाँ पर आ जाइए परचेज वाउचर में, और ये आपका बिल है, इसको यहाँ से प्रिंट करना हो तो यहाँ से प्रिंट कर लीजिए, और चाहे तो आप इसको देख भी सकते हैं। तो पहले इसको सेव कर लेता हूँ मैं, यहाँ से MRP के नाम से इसे सेव करता हूँ, ओके, और यहाँ से डेस्कटॉप पे इसे सेव कर देता हूँ, कर दिया, ये हमारा जो PDF फाइल है वो ये वाली है हमारी, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा बिल है और कुछ इस तरह से ये शो करेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आई होगी कि ये किस प्रकार से काम करेगा, ठीक है। ये तो वो बिल है जो हमें मिलेगा, यानी कि हम छोटे
दुकानदार हैं, तो हम कहीं बड़े दुकान से इसे खरीदेंगे, फिर लाकर के इसको बेचेंगे, सेल करेंगे, तो ये हमें प्राप्त होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।